हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके फेसबुक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो आप अपने फेसबुक पेज पर अपने यूट्यूब चैनल को जो है वहां पर लिंक यानी कि दे करके आप अपने ऑडियंस को वहां पर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कैसे जो है आपकी ऑडियंस आसानी से उस पर क्लिक करके आपके चैनल पर जाएगी और आपका यूट्यूब चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो हो सकता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वॉच नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे जैसे ही ऑडियंस क्लिक करेगी आपके जो भी फॉलोवर्स होंगे वो इस पे क्लिक करेंगे ऐसे तो डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस पे क्लिक किया और डायरेक्ट हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर हमको वहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये कैसे आप सेट कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद से जो है हम अपने मोबाइल में अपने फेसबुक पेज को जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चलिए एक फेसबुक पेज जो है यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, अपना वही पेज ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने ऐड किया है। ये हमारा जो फेसबुक पेज का नाम है यहाँ पर टेक्निकल काशीनाथ, यहाँ पर प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक पेज जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर एडिट एक्शन बटन का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच नाउ का यहाँ पर हमको बटन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बटन हम जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर कोई और भी बटन ऐड हो सकता है, जैसे व्हाट्सअप हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके फेसबुक पेज में और कुछ हो या फिर यहाँ पर दूसरा कुछ हो। तो यहाँ पर आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद से ऊपर जो है कि यहाँ पर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पर जो ये वॉच नाउ का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने ऐसा यहाँ पर ये बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक या फिर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर देने को कहा जाएगा। हमने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का जो ये हमारा यूजर नेम है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर यूट्यूब चैनल का यूजर नेम पेस्ट कर दिया है। यूट्यूब चैनल का यूजर नेम पेस्ट करने के बाद से आपको जो यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद से आपका जो यहाँ पर वॉच नाउ का जो बटन है वो आपके पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब हमने इसको खुद ही ओपन किया है, हमारा पेज है तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर इस पेज को हम दूसरे प्रोफाइल से यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर ये पेज जो है हमको वॉच नाउ का उसमें बटन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम अपना नाम डाल लेते हैं, अपने उस पेज को ओपन कर लेते हैं एक बार। पेज को ओपन करने के बाद से हम आपको दिखाते हैं कि वॉच नाउ का जो बटन है वहां पर आ चुका है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो पहले से यहाँ पर था ही, लेकिन यही प्रोसेस है कि आप इसी तरह से यहाँ पर वॉच नाउ का बटन जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे हमारा जो फॉलोअर्स रहेगा यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो फॉलोअर्स हमारे फेसबुक पर हैं वो अगर हमको फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर यदि फेसबुक पर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको यूट्यूब पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं और अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को जो है अपने यूट्यूब पर भी अपडेट रख सकते हैं। तो यही थी जानकारी। इसी तरह से जो है आप अपने फेसबुक पेज में जो है वॉच नाउ का बटन को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने फेसबुक फॉलोअर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जो है लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं वैसे ही फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।